हाय एवरीवन, में हमने नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट ह्यूमन और इन्वायरमेंट पे देखा था क्या होता है। आज हम लोग इस लेक्चर में नॉइज़ पोल्यूशन या नॉइज़ का इंटेंसिटी को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, या कोई साउंड है उसके इंटेंसिटी को कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब मेजरमेंट ऑफ नॉइज़ के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में pekun.in का लिंक है। आप चाहें तो इस चैनल को पर्सनली कुछ सपोर्ट करना चाहें तो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और इस चैनल के ग्रोथ के लिए आप कुछ सपोर्ट करना चाहें तो pekun.in का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और 3rd यूनिट तक हमने PDF हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3rd यूनिट का जो वीडियो है वहाँ पर आपको 1st, 2nd और 3rd यूनिट का कंबाइंड PDF मिल जाएगा। आप चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स वहाँ से आपको प्रोवाइड होगा। और जैसे ही 4th यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो 4th यूनिट का भी आपको कंबाइंड 1st, 2nd, 3rd और 4th को कंबाइन करके आपको दे दिया जाएगा। तो लेक्चर शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ नॉइज़। नॉइज़ का हम लोग मेजरमेंट या साउंड का हम लोग, अगर कोई भी नॉइज़ है ज़्यादा उसका इंटेंसिटी, अगर उसे हमें मेज़र करना है तो उसका इंटेंसिटी को मेज़र हम लोग करते हैं प्रेशर के लेवल से। हम लोग मेज़र करते हैं मतलब जो भी साउंड है उसका क्या प्रेशर का लेवल है उससे हम लोग मेज़र करते हैं। यूनिट तो आपको पता ही है, हम लोग डेसीबल में बात करते हैं। तो डेसीबल का एक लॉगरिथमिक टर्म में, लॉग के टर्म में, लॉग के फंक्शन में एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। और फिर कौन सा मीटर हम लोग यूज़ करते हैं इसके मेजरमेंट के लिए वो भी आगे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ साउंड प्रेशर लेवल। मतलब कोई भी अगर साउंड का हमें इंटेंसिटी मेजर करना है तो हम लोग साउंड के प्रेशर के लेवल पर हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं कि क्या उसका साउंड का प्रेशर का लेवल है उससे हम लोग मेजर करते हैं। और फिर इसका यूनिट तो आपको पता ही है, डेसीबल में हम लोग बात करते हैं। एक्चुअल में बेल है बट हम लोग 1/10 में बात करते हैं तो ये डेसीबल में हो जाता है। तो डेसीबल हो जाता है ये, तो डेसीबल में ही हम लोग इसका मेजरमेंट हमेशा करते हैं। तो डेसीबल का आप फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए। डेसीबल अगर हम लोग मेजरमेंट करना है और अगर किसी साउंड का हमें इंटेंसिटी पता है तो हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं 10 × log base 10 × इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस साउंड। कोई भी रेफरेंस साउंड अगर हमें, अगर उससे कोरिलेट करके बात करना है और कोई भी साउंड का हमें इंटेंसिटी अगर मालूम हो गया है कि इस साउंड का इंटेंसिटी इतना है तो कोई भी रेफरेंस साउंड से उसका अगर हमें निकालना है कि क्या डेसीबल इसका होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 10 × log base 10 निकालना है हमें इंटू इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस साउंड। इससे हम लोग डेसीबल में जो भी यहाँ पर डेटा मिलेगा वो हमें डेसीबल, मान लीजिए यहाँ पर डेटा हमें मिलता है 30 मिलता है तो वो 30 डेसीबल के फॉर्म में रहेगा कि वो 30 डेसीबल उसका इंटेंसिटी है साउंड का, उस साउंड इंटेंसिटी का, कोई भी रेफरेंस साउंड से 30 डेसीबल उसका इंटेंसिटी है। अब हम लोग इसको कैसे मेज़र करेंगे ये तो हम लोग मतलब थियोरेटिकली बात हो गई कि फार्मूला से हम लोग ऐसे मेज़र कर सकते हैं अगर किसी भी साउंड का हमें इंटेंसिटी मालूम है और किसी रेफरेंस के से हमें उस साउंड का टोटल निकालना है कि क्या उसका लेवल है। एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग जो डेसीबल में निकालते हैं वो साउंड इंटेंसिटी का लेवल हम लोग निकालते हैं। साउंड इंटेंसिटी जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है वो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम लोग डेसीबल के फॉर्म में निकालते हैं तो किसी भी साउंड इंटेंसिटी का क्या लेवल है वो हम लोग क्या करना है, लेवल को अगर हम लोग को मेजर करना होता है तब क्या करते हैं, किसी भी रेफरेंस साउंड से उसका हम लोग निकाल लेते हैं। रेफरेंस साउंड से ये कितना ज़्यादा है उसको, उसका एक फार्मूला जो दे दिया गया है आपको, तो ये जो फाइनल वैल्यू आता है ये डेसीबल में आता है। तो हम लोगों को साउंड इंटेंसिटी के लेवल से ही मतलब होता है कि किस एरिया में क्या लेवल होना चाहिए साउंड इंटेंसिटी का, उससे मतलब होता है। तो हम लोग उसको डेसीबल में फिर इस फार्मूले से हम लोग कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं या फिर जो डिवाइस आता है आपको उस डिवाइस से डायरेक्टली हम लोग डेसीबल में निकाल सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिवाइस हम लोग यूज़ करने वाले हैं मेजरमेंट के लिए वो क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो डिवाइस जो यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं साउंड लेवल मीटर। साउंड लेवल मीटर जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं SLM। SLM एक तरह का डिवाइस है जो आपको नॉइज़ के लेवल को, मतलब साउंड के लेवल को मेज़र करता है डेसीबल में। तो यही बोल रहा है, नॉइज़ लेवल इन डेसीबल इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड साउंड लेवल मेजरमेंट, साउंड लेवल मीटर। SLM उसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो SLM एक तरह का डिवाइस है जिससे हम लोग साउंड के लेवल को या साउंड के इंटेंसिटी के लेवल को वो उससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली डेसीबल के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग SLM एक तरह का डिवाइस हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, लेवल के साउंड के या नॉइज़ के लेवल के मेजरमेंट के लिए। इट इज़ ऑल्सो नन एज नॉइज़ मीटर। नॉइज़ मीटर, इसको नॉइज़ मीटर भी हम लोग बोलते हैं। कभी कभी मैं साउंड बोल देता हूँ, कभी कभी नॉइज़ बोल देता हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मतलब अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है या वो साउंड हमारे लिए प्लीजेंट नहीं है तो उसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं, और अगर वो नॉर्मल साउंड है या फिर सारे तरह का साउंड को हम लोग साउंड बोल देंगे, बट अगर वो साउंड का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है तब उसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं, तभी तो वो हमारे लिए पॉल्यूशन का काम करता है। तो
तो यहाँ इसको हम लोग नॉइज़ मीटर भी बोलते हैं। ये एक तरह का डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। आपको SLM यही है, SLM का फिगर यही है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पावर ऑन का बटन है, फिर यहाँ पर कुछ सेट करने का फिक्स होता है, ये यहाँ पर सेंसर होता है जो इसको साउंड को सेंस करता है, साउंड जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसके साउंड के इंटेंसिटी को ये सेंस करेगा और यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर हमें डिजिटल रीडिंग दे देता है कि क्या रीडिंग हो रहा है। तो इस डिवाइस का यूज़ करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रोसेस भी बताया गया है कि इसको हम लोग कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ रहा है, कोई भी रुकावट आ रहा है तो वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेंगे और डायरेक्टली जो सोर्सेज है डायरेक्टली हम उस सोर्स के सामने एकदम से नहीं जाकर रखेंगे। मतलब मान लीजिए कोई स्पीकर है, स्पीकर के बगल में हम लोग जाकर वहाँ पर मेज़र नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग एक इन्वायरमेंट में, जैसे भी इन्वायरमेंट का हमें मेजरमेंट करना होता है कि उस इन्वायरमेंट में, पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में क्या है, साउंड का इंटेंसिटी है। मान लीजिए कोई कॉलेज है तो कॉलेज में हम किसी भी ओपन प्लेस में मेज़र करेंगे, वहाँ पर जो साउंड क्रिएट हो रहा है उसका क्या इंटेंसिटी है, उसका लेवल क्या है, साउंड के लेवल का इंटेंसिटी क्या है, वो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा स्टेप देख लेते हैं। SLM इज़ अ डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो तो आपको इमेज में दिखाई है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आता है वो डिजिटल हमें वैल्यू शो कर दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है। इट इज़ प्लेस एट द प्लेस वेयर मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर भी हमें नॉइज़ का मेजरमेंट करना है वहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे और ये जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे वहाँ पर हमें मेजर करके कुछ देर के बाद वहाँ पर जब इसका फिक्स वैल्यू आ जाएगा, ऐसे फ्लक्चुएट तो करते ही रहता है बिकॉज साउंड तो फिक्स रहेगा नहीं, कहीं पर कुछ हॉर्न बज रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर किसी ने हॉर्न का यूज़ कर लिया है, किसी ने साउंड कुछ बोल दिया, तो वो फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत होता है। तो जो भी मैक्सिमम रीडिंग आ रहा है आप वहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ प्लेस एट द प्लेस वेयर मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज रिक्वायर्ड, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑलवेज बी पोजिशन अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सोर्स। वही बोल रहा है कि डायरेक्ट सोर्स से हमें थोड़ा अवे रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्पीकर हमने लगाया, एक स्पीकर लगाया वहीं पर इस वाले इंस्ट्रूमेंट को, SLM को हमने यूज़ कर लिया, डायरेक्ट बगल में आप यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वैल्यू जो होगा वो हमें ज़्यादा ही मिलने वाला है। मान लीजिए आपने बाइक रखा, बाइक के पास हॉर्न ऑन प्रेस किया और वहीं उसको मेजर कर रहे हो, तो उस हॉर्न का इंटेंसिटी वो बता देगा बट वो पार्टिकुलर इन्वायरमेंट का इंटेंसिटी तो नहीं बता पाएगा, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट वेरी कर जाता है। तो हम लोगों को इन्वायरमेंट से मतलब होता है कि कोई भी अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पर क्या लेवल होना चाहिए, कमर्शियल एरिया है तो वहाँ पर क्या लेवल होना चाहिए, ऑलरेडी हम लेवल हमने देखा है डे टाइम में और नाइट टाइम में अलग अलग होता है। फिर कोई भी साइलेंस जोन है तो वहाँ पर क्या इंटेंसिटी होना चाहिए, साउंड के लेवल का क्या इंटेंसिटी होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर इस तरह से देखते हैं। तो वही बोल रहा है कि डायरेक्ट सोर्सेज के से थोड़ा सा हम लोग अवेयर रखेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट सोर्स जहाँ पर है, हॉर्न है बाइक का, हॉर्न के बगल में जाकर हम लोग चेक करने वाले हैं, वैसा नहीं करने वाले हैं। फिर कोई भी अगर वाइब्रेशन वहाँ पर हो रहा है तो उससे थोड़ा सा हमें दूर रखना पड़ता है, वाइब्रेशन के पास रखेंगे तो हमारा रिजल्ट फ्लक्चुएट होगा और रिजल्ट में वेरिएशन नज़र आएगा। और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, कोई भी आपको रुकावट अगर है, कोई भी साउंड है वहाँ पर कोई रुकावट हो रहा है, मान लीजिए कि आप वॉल के बगल में आकर कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि जो साउंड आपको सामने से आ रहा होगा अगर उसका इंटेंसिटी मेज़र करना है तो वो अगर वॉल के पीछे से आप अगर मेज़र करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहा है इस पॉइंट में, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑलवेज बी पोजिशनड अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सोर्स वाइब्रेशन एंड फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी हो मतलब डायरेक्ट सोर्सेज से अवे रखेंगे, वाइब्रेशन अगर ज़्यादा है वहाँ पर तो वाइब्रेशन से थोड़ा सा हम अवे ले जाकर वहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, एंड फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन से भी अवे रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं, आफ्टर प्लेसिंग इट इट गिव्स रीडिंग ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन पर रीडिंग दे देता है। आप लोग देखे ही रीडिंग हमें स्क्रीन पर, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था लास्ट इमेज में, यहाँ पर स्क्रीन पर हमें जैसा ही हमने वहाँ पर प्लेस किया यहाँ पर हमें रीडिंग मिल गया है। यहाँ पर देखिए डेसीबल में रीडिंग दे रहा है, 72.5 जो ये रीडिंग आया है वो डेसीबल में रीडिंग आया है, ये हमेशा डेसीबल में रीडिंग देता है। तो उससे हम लोग फिर क्या करते हैं, जो भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उस पार्टिकुलर एरिया का, जो साउंड का स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग वो फिर दिखाते हैं कि ये मतलब साउंड जो है यहाँ पर जो साउंड का इंटेंसिटी का जो लेवल है वो कितना है, वो हम लोग वहाँ से वेरिएशन देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं वही चीज़ इसमें बोला है, वंस वी गेट द रीडिंग देन वी कैन कंपेयर देम विद स्टैंडर्ड्स टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ नॉइज। इसके बाद जब जैसे भी हमें स्क्रीन पर रीडिंग मिल जाएगा, मान लीजिए कि रीडिंग हमारा जैसे वहाँ पर शो कर रहा था आई थिंक 76 था, मानता हूँ मैं कि 80 आपका 80 डेसिबल आ गया है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से कि जो भी उस पार्टिकुलर एरिया में जो वैल्यू होना चाहिए वो सही में वो वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं, या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है। वही बोल रहा है कि वंस वी गेट द रीडिंग देन वी कैन कंपेयर देम विद स्टैंडर्ड्स टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द नॉइज, मतलब हम लोग नॉइज का क्या लेवल है, साउंड इंटेंसिटी का क्या वहाँ पर लेवल है, वो हम लोग अगर हमें चेक करना है तो हम लोग उसको फिर कंपेयर कर लेते हैं नॉर्मल प्लेस से कि अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पर अगर 50 होना चाहिए 50 डेसिबल, तो 50 अगर 80 आ रहा है तो इसका मतलब वो 30 का डिफरेंस है, वहाँ पर हमारा जो नॉइज का इंटेंसिटी है ज़्यादा है, वहाँ पर कम होना चाहिए था। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, मेजरमेंट ऑफ साउंड हमने देख लिया है। इसके बाद अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है
नॉइज मैपिंग आई थिंक बचा हुआ है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पर भी इंजीनियर सरहार ग्रुप बना हुआ है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे ही फेसबुक पेज पर जाएंगे वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। एक pekun.in का भी लिंक है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो बस ओनली कुछ अमाउंट डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और अगर PDF डाउनलोड करना चाहें, थर्ड यूनिट तक हमने प्रोवाइड कर दिया है PDF। वहाँ पर वीडियो के थर्ड यूनिट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ से वीडियो को वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।